सनातन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए जो हमारे प्रेमी प्रभु ने हमें दिया है। और संपूर्ण विश्व और भारत की बहुत सी प्रभु प्रेमी जनता ने इस बात के विषय में आग्रह किया कि आपके जीवन की साक्षी के साथ सेविकाई पड़ाव पर किस प्रकार के उतार और चढ़ाव आए और आपके जीवन का प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो लक्ष्य और उद्देश्य रहा है उसकी एक गवाही हम तैयार करें। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने इस एपिसोड को तैयार किया है जिसमें प्रभु के दास और पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु के द्वारा जो कुछ भी इस धरती की सतह पर घटा है उसकी साक्षी हम आपके सामने रख सकें। जब हम 12 वर्ष के थे मेरे दादा पुजारी हुआ करते थे और वह तंत्र मंत्र और जादू की विद्या से आकाश से गिरने वाले उन तमाम पत्थरों को ओलों को वो बंद कर दिया करते थे और वे फौज में भर्ती हो गए और दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्हें फौज में रहते हुए जरूशलेम की यात्रा करने का मौका मिला और वे भारत से मिलिट्री में होने के कारण जरूशलेम की यात्रा किए और वहाँ जब उन्होंने ईसा मसीह की खाली कब्र देखी और उन प्रमाणों को देखा तो वे भारत लौटने के बाद उन्होंने अपना हृदय प्रभु को दे दिया और वे मिलिट्री से भाग निकले और उसके बाद उन्होंने मिलिट्री की सेवा को त्याग कर प्रभु यीशु जिंदा है इस बात की साक्षी देना शुरू कर दिया। कुछ CNI मिशनरियों ने उन्हें अपने हाथों में ले लिया, उन्हें शिक्षा दी और उन्हें CNI का पास्टर जो सीवनी जबलपुर डायोसिस के अंतर्गत आता है उन्हें नियुक्त कर दिया और वे केवलारी नाम ग्राम में एक पासवान या सेवक के रूप में नियुक्त किए गए। उसी वक्त पिता और हमारा जन्म था, पिता और उसी वक्त हमारा जन्म हुआ। तब हम एक नामधारी मसीही परिवार में लालन पालन के दौरान बढ़ते और पढ़ते चले गए, परंतु हमारे दादा और हमारे माता पिता फौज के अनुशासित जीवन के कारण उन्होंने हमें बेहतर अनुशासन दिया। लालन पालन के वक्त ही हम नियमबद्धता से प्रार्थना और दुआ में लगे रहे। हर वक्त हमारे दादा केवलारी से सीवनी महीने में एक बार जाया करते थे रिपोर्टिंग सिस्टम को अदा करने के लिए। एक बार उनकी बस फेल हो गई या वे उचित समय पर नहीं आए और रविवारी आराधना का वक्त हो गया और कई लोग संध्या काल शाम को रविवार की आराधना में सम्मिलित थे परंतु पासवान नहीं थे। उस समय अचानक हमें एक ऐसा मानसिक दबाव मिला कि हम पुलपिट पर चढ़कर बाइबिल को पढ़कर के संदेश देना शुरू कर दिए। उस समय सन 1970 में यह घटना हमारे जीवन पर घटी और मुझे आज भी याद है उस समय जैसे यीशु मसीह 12 वर्ष के थे और उन्होंने मंदिर में ऐलान किया कि मुझे परमेश्वर का वचन सुनाने की सेवा के लिए तैयार किया गया है। कुछ इसी आधार पर प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। उम्र के 12 वर्ष 1970s में हमने पहली बार बीज बोने वाले संदेश के दिए जाने के द्वारा इस बात का ऐलान किया कि हमें इस सेवकाई के लिए तैयार होना है। उस संदेश के बाद जो आनंद और शांति मिली वह हमारे लिए बड़ी अजीब और गरीब थी। सन 70 के बाद से लेकर के लगातार इन समयों के बाद बाइबिल को पढ़ने और प्रार्थना करने की रुचि में एक नया अंदाज जिंदगी में आकर के जुड़ गया और सन 1970 से लेकर सन 1980 तक इन 10 सालों में हम बच्चों के बीच में संडे स्कूल में वक्त मिल जाता कभी किसी को बाइबिल का प्रचार किया करते या फिर बाइबिल को लेकर के बहुत घाट में या फिर पेड़ पौधों के बीच में जाते और बाइबिल पकड़ करके हम प्रचार करने की प्रैक्टिस किया करते थे। वह हमारी लगन थी। 1978 के दौरान जब हम अपनी पढ़ाई करके निकले
1989 में प्रभु ने हमको एक नौकरी से आशीषित किया और सेंट्रल गवर्नमेंट में सिक्योरिटी ऑफिसर, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में प्रभु ने हमें प्रोविजन पीरियड में रखा और एक ही साल के बाद हम कंफर्म किए गए और 2 सितारे की वर्दी लगा करके सेंट्रल गवर्नमेंट में सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम करने के लिए तैयार किए गए। इसी दौरान हमें परमेश्वर के वचन की गंभीरता समझ में आई। वैसे तो हम CNI के तहत बचपन में ही छिड़काव का बपतिस्मा ले चुके थे, परंतु 79 अक्टूबर 28 तारीख को जब हमें बाइबल की सच्चाई की किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हमने अपना पूरा मन 19 वर्ष की उम्र में प्रभु को देने के पश्चात जल संस्कार की विधि से होकर के जल से जन्म लेने वाली प्रक्रिया अपने जीवन में पूरी की। सन 80 फरवरी में जब नागपुर शहर में एक बड़ी भारी आम सभा हो रही थी, वहां पर कई लोगों को हमने ऐसी भाषा बोलते हुए सुना जो हमारे कानों में अब तक नहीं पड़ी थी। तब हमने कहा, ये कौन सी भाषा है? तब एक बुजुर्ग प्रार्थनाशील महिला ने कहा, बेटा, ये पवित्र आत्मा के वरदान से पाई जाने वाली वह भाषा है जिसे प्रभु वरदान में देते। हमने कहा, तुमने कितने दिन में ये सीखा? उन्होंने कहा, ये बेटा सीखते नहीं हैं, पवित्र आत्मा की ओर से वरदान है। हमारे अंदर एक प्यास पैदा हो गई, क्या ये भाषा हम बोल सकते हैं? उन्होंने दूसरे दिन हमें उपवास के साथ में बुलाया। हमने पानी भी बंद कर दिया, 24 घंटे बिना पानी खाने की तो बात ही छोड़ दीजिएगा। हम दूसरे दिन 2 फरवरी को दोपहर मीटिंग के बाद किसी एक प्रार्थना भवन में प्रार्थना कर रहे थे, अचानक पवित्र आत्मा की ऐसी अटूट सामर्थ्य हम पर आई, हम घुटनों के बल 1.5 फीट 2 फीट जमीन से ऊपर जंप करते हुए न जाने अनियंत्रित दशा में कौन सी वाली भाषा बोल रहे थे वह हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और यह घटना करीबन 1 घंटे तक चलती रही। हमारे सारे घुटने जंप करने के कारण छिल चुके थे, लोटपोट हो चुके थे। बहुत देर के बाद हमें होश आया और हमें समझ में आया कि हम धरती पर हैं। ऐसे अभिषेक के साथ हमारे जीवन की आत्मिक यात्रा की दूसरी शुरुआत शुरू हो जाती है। आपको जानकारी मिले, सन 80 फरवरी को पवित्र आत्मा, 2 फरवरी को पवित्र आत्मा मिलने के बाद हम अपनी ड्यूटी में वापस जब गए तो 6वें या 7वें दिन प्रभु ने हमको एक दर्शन दिया। और वह दर्शन ये था कि हम एक कब्रस्थान में खड़े हुए हैं और वहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी पत्तियाँ सूख करके जमीन में गिर गई हैं, जैसे पतझड़ के दिनों में गिर जाती हैं। और हमारे कंधे पर एक बैग लटका है और उस बैग में कुछ बाइबल की प्रतियां हैं, गॉस्पल पैकेट्स हैं। और हम वहां खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं, अए मुर्दो, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनो, यदि तुम उसको स्वीकार करोगे तो मुर्दों में से जी उठोगे। यह हमारी नासमझी या पहली पहल परमेश्वर की आवाज थी। हमें समझ में नहीं आया कि इसका अर्थ क्या है। एक कार वहां से आती है और वह हमसे पूछती है, आमोस सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने कहा, हम मुर्दे लोगों को यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। जब हम दूसरे दिन सुबह उठकर के इस दर्शन से भौचक के और चिंतित थे, तब एक बुजुर्ग प्रार्थनाशील महिला ने हमें इसका अनुवाद करके बताया कि प्रभु तुम्हें अन्य जातियों में सुसमाचार के प्रचार के लिए भेज रहा है। उसी दिन, यह शनिवार की बात है और दूसरा दिन हमारा रविवार का था, और हमने दूसरे दिन सुबह कुछ गॉस्पल पैकेट्स अपने हाथ में लिए और जहां हम सेवा करते थे नागपुर के पास बेलडोंगरी माइंस करके एक जगह है, वहां एक सातक नाम की जगह है, वहां जाकर के हमने घर घर ये पत्रिका देते हुए कहा, इसे पढ़ो, तुम्हें शांति मिलेगी। उस समय हमें प्रचार वगैरह कुछ आता नहीं था, परंतु अन्य जातियों के बीच में सबसे पहली बार फरवरी के प्रथम सप्ताह है, सन 1980 फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के बीच में हमने अन्य जातियों के बीच में पर्चे बांटने के द्वारा सेविकाई का काम शुरू किया। जब हम पर्चे बांट करके घर वापस लौट रहे थे, इतनी असीम शांति हमें मिल रही थी जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। जैसे
फिल्म में हम देखते हैं ना कि हीरो ऐसा एक पैर रखता है और 10 फीट के बाद में दूसरा पैर रखता है। ऐसी हवा में उड़ती वाली अनुभूति और शांति को देखकर हमने कहा ये कैसी अजीब और गरीब शांति है। और उस शांति के एहसास को पाने के लिए हम प्रति रविवार कुछ इसी तरीके से एक गांव में निकल जाते, दूसरे गांव में निकल जाते और बाइबिल की प्रतियों को हम घर घर बांटने के द्वारा पत्रिका बांटने की सेविकाई से सन 80 में हमने अन्य जातियों के बीच में सेविकाई का काम शुरू किया। और सन 83 में प्रभु ने हमें एक दर्शन दिया 1983 में कि मैं तुझे एक दिन बालाघाट नाम की एक जगह जो मध्य प्रदेश में है वहां ले जाऊंगा और अपनी सेवा के लिए काम में लाऊंगा। पर तो हम तो सरकारी नौकर थे ना, वहां जब तक हमारा ट्रांसफर नहीं होगा या हमें नौकरी ना छोड़ना पड़े तब तक हम वहां जा तो नहीं सकते थे। ऐसे समय में लगातार जहां सरकार हमें ट्रांसफर करते रही सेंट्रल गवर्नमेंट में हम नौकरी करते रहे, परंतु इन सारे समयों में हमारा प्रति रविवार जो छुट्टी का समय हुआ करता था हम लोगों को सुसमाचार प्रचार करने का काम करते थे। ना तो कोई संस्था हमारे पीछे थी, ना कोई चर्च हमारे पीछे था और ना ही किसी परमेश्वर के दास ने हमें किसी प्रकार का कोई इनकरेजमेंट्स दिया, बट केवल एक दर्शन। उस आधार पर हमने ये सेवकाई का काम लगातार जारी रखा क्योंकि हमारे पीछे कोई एक अद्वितीय शक्ति जरूर ऐसी मदद करने में तैयार थी जो इस स्थान पर हमें उन स्थान सेविकाई के दौरान हमें ले जाया करती थी। करीबन 35 गांव में घर घर जाकर हमने एक एक को पत्रिका सुनाई और इन एक वर्षों के अंदर अन्य जातियों से कैसे बात किया जाता है उसका हियाव हमें होने लगा। और इक्यासी के दौरान हम अकेले एक जगह प्रार्थना कर रहे थे कि हे परमेश्वर हम अकेले हैं, बहुत से लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, हमें आइडिया नहीं है और ना ही हमें बाइबिल का ज्ञान है कि अन्य जातियों के बीच में कैसे सुसमाचार का प्रचार किया जाए। ऐसी प्रार्थना के दौरान अचानक चार बहनें और तीन भाई हमारे पास में आए और कहने लगे भैया हमने सुना है आप गांव गांव जाकर के प्रभु का प्रेम बांटते हैं, हम भी आपके साथ हो लेना चाहते हैं। आपको जानकारी मिले सन 81 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर के दौरान अब हमारे साथ में चार बहनें और हम मिलकर के चार भाई चार साइकिलों को अपने साथ चार बहनों को पीछे ले लेते हैं और गांव गांव जाकर के प्रचार करना शुरू कर देते हैं। उसका नाम हमने जीवन ज्योति यूथ फेलोशिप 1981 में रख दिया। और इस दौरान हमने उपवास की प्रार्थना की। 1982 के दौरान पवित्र आत्मा ने हमें सामर्थ्य के वरदानों के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब हम 10 पैसे में 25 पैसे में बाइबिल की प्रतियां पैकेट्स या गॉस्पल पैकेट्स सेल करते हैं। उसमें से हमने खंजरी खरीद ली और इसके बाद में साइकिलों में प्रति रविवार हम सुबह से जाते अपना टिफिन का डब्बा लेकर शाम तक गांव के कई इलाकों में जाकर के प्रचार करते, रोडों पर खंजरियां बजाते और उसके बाद में गाना गाते और फिर प्रचार करते और फिर बीमारों को कहते आप में से किसी के पास में कोई दर्द है क्या, तो एक बीमार आता हाँ मेरे कमर में दर्द है, हम उसके लिए सबके सामने प्रार्थना करते और उसका कमर का दर्द अच्छा हो जाता तो दूसरा आता, दूसरे के बाद में तीसरा आता। और जब कई लोगों की साक्षी लोग देखते तो जहां हम रोड में खड़े थे वहां 100 से 200, 200 से 500 से 1000, 2000, 3000 लोग इकट्ठे हो जाते, हम वहीं खड़े रहते, लोग गांव में जाते बीमारों को लेके आते और हम चंगाई की प्रार्थना करते, जब तक कोई दूसरा बीमार आता 5 मिनट का गॉस्पल प्रीच करते। इस तरीके से सन 82 से लेकर 88 तक परमेश्वर ने हमको ऐसे तैयार कर लिया कि अब हम हजारों हजारों के बीच में खुले आम मैदान में दुष्ट आत्माओं को निकालने के अंदाज में और चंगाई की प्रार्थना में परमेश्वर के अनुग्रह को पाते रहे। परंतु एक दर्शन जो 83 में परमेश्वर ने दिया था, हम उस इंतजार में थे कि हम बालाघाट में जाकर के प्रभु की सेविकाई करें, वो हमारा मन था, परंतु हम जाएं तो जाएं कैसे। परंतु आकस्मिक
हमारे हाथ में एक लेटर मिलता है कि तुम्हारा ट्रांसफर बालाघाट में किया जाता है। मानो हमें लॉटरी मिल गई, हम उछल कूद करके इस सिटी पर आने की तैयारी करने लगे। 1988 दिसंबर 26 तारीख को हमने बालाघाट में पदार्पण किया और वहाँ पहले हफ्ते तो हमारा ऐसे ही गुजर गया और जनवरी के 89 के जनवरी में हमारे घर में पानी भरने वाले की बेटी के हाथ में खुजलियाँ थी। उसने प्लास्टिक बांध रखा था और हमने कहा ये सब क्या है। हमने उसके लिए प्रार्थना की। दूसरे दिन उसका हाथ बिल्कुल क्लीन हो गया। महीनों से जिसको खुजली थी वो समाप्त हो गई। उसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप चारों तरफ अफवाहें फैलने लगी कि इंस्पेक्टर साहब आए हैं, वो पता नहीं झाड़ झूड़ करते हैं, प्रार्थना क्या करते हैं क्या नहीं करते, मिनट में दवा समस्या चली जाती है। फिर क्या पूछना था। एक के बाद एक ख्याति बढ़ती चली गई और लोग, बीमार लोग हमारे कमरे में आने लगे। जब मौका मिलता तब हम उनके लिए प्रार्थना करते। कई बार हम ऑफिस चले जाते तो लोग हमारी देवड़ी में बैठ कर हमारा इंतज़ार किया करते थे। इस तरीके से महीने के अंतर्गत भारी मात्रा में हलचल मच गई बालाघाट के भरवेली नाम स्थान में, जहां आज भी हमारा आश्रम स्थित है। वहां जब अपार भीड़ आने लगी तब हमने कहा ये सरकारी बंगले में इस प्रकार की भीड़ ठीक नहीं है। हमने एक किराए का कमरा लिया और वहां जाकर के प्रति शुक्रवार आराधना हमने प्रारंभ कर दिया। शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक बीमारों के लिए हम प्रार्थना किया करते। 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 लोग, जगह नहीं थी कमरे में, बाड़े में बैठ करके लोग प्रार्थना किया करते थे। इसी वक्त सरकार से हमें आपत्ति हुई क्योंकि जिस कॉलोनी में हम रहा करते थे वहाँ हजारों की भीड़ कहीं छकड़े में, साइकिल में, बैलगाड़ी में आया करती थी, जिससे अड़ोस पड़ोस के लोगों को दिक्कत हो गई। ऐसे समय में हमारे हायर ऑफिसर्स ने हमें बुला करके कहा कि ये सब कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं करना चाहिए क्योंकि भारी प्रतिरोध बस्तियों से आने लगा। तब हमने आम भीड़ों को कहा आप हमारे पास आना बंद कर दीजिएगा, अपने गांव में इस प्रकार की सभाओं का आयोजन कीजिएगा, हम स्वयं वहां आ जाया करेंगे। अब बड़ी भारी मात्रा में लोग हमारे पास में आते और हर गांव के ग्राम पंचायत सरपंच एमएलए पटेल एक एप्लीकेशन लेकर के आते और हम उन्हें सैंक्शन कर देते कि फला तारीख को हम आपके गाँव में आएंगे। और इस तरीके से जब हम उस गांव में जाते थे तो देखते थे वहाँ 2000 लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको मालूम है ये समय कब हम जाया करते थे, जब हम सुबह 8 बजे ऑफिस जाकर के 11 बजे तक अपने ऑफिस का काम कर लिया करते थे। तब 11 से 11:30 के बीच हम अपनी मोटरसाइकिल उठाते और आजू बाजू के गांव जहां हमने अपनी डेट्स दे रखी वहां जाते थे और अपार भीड़ वहां हम देखते और ऐसे 2-3 टेबलों को लगा के, 2 तख्त लगा के लोग स्टेज बनाया करते और लोग अपार भीड़ वहाँ बैठी रहती थी। लंच टाइम में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कड़कड़ाती धूप में, चाहे वह मई की हो चाहे वह फरवरी की हो, लोग परमेश्वर का वचन सुनते थे। और उसी गांव में कोई दूसरे गांव के लोग आ जाते और हमसे तारीख ले लेते थे। 2 दिन के बाद हम कहते इसी प्रकार की सभा 2 दिन के बाद में फलाने गांव में होगी। तो इस 5000-2000 लोगों ने जब सुना कि अगली मीटिंग दूसरे गांव में इस तारीख को होगी तो वहां 5000 की भीड़ इंतज़ार करती। आपको जानकारी मिले ऐसा करके प्रति 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में सभाओं में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 लोग हैं। आपको मालूम होवे हम ठीक बीच में रहते तो चहुं ओर लोग बैठे रहते थे। उनको मालूम था कि ये प्रार्थना रात दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। लोग सुबह 6 बजे से स्टेज के पास में नाश्ता और पानी का डब्बा लेकर के बैठ जाया करते थे क्योंकि जितने नज़दीक यदि वे रहेंगे प्रभु के भक्त को इतनी नज़दीकी से देख सकेंगे, ऐसे लोगों की धारणाएं हुआ करती थी। कई बार पूरे गांव में जब हम डेट दे दिया करते थे तो पूरे गांव को लोग लीपते थे, पोतते थे और चारों तरफ में केले के पेड़ काट काट के लगा दिए जाते थे, पूरे गांव को सजाया जाता था। ये सब एक अजीब और गरीब किस्म का एवेंजलिस्टिक
मूवमेंट उस इलाके में जो बालाघाट के जिले के इर्द गिर्द हुआ वो हमने देखा। कई बार हमारे पहुंचने से पहले दुष्टात्मा ग्रसित लोग स्टेज के आजू बाजू नाचना और डांस करना शुरू कर देते थे। कई बार जब हम स्टेज में खड़े होते और माइक लेते और कहते थे, हे प्रिय भाइयों और बहनों, बस दो लाइन बोलने की जरूरत है, मान लो 10,000 लोग हैं, उन 10,000 लोगों में से 150 लोग दुष्टात्मा ग्रसित हैं, तो वे 150 लोग अपनी अपनी जगह में सिर्फ एक लाइन बोलने के वक्त वे अपनी ही अपनी जगह में खड़े होकर के चिल्लाना, चीखना, पुकारना, घुटने के बल चलना, कुलाटी मारना, रोल करना शुरू कर देते थे। ऐसे समय में कोई किसी की नहीं सुनता, चहु और लोग दुष्टात्मा ग्रसित लोग चिल्ला पुकार रहे हैं, अब हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे समय में आधे घंटे से लेकर पौन घंटे तक हमको माइक पकड़ के खड़े रहना पड़ता था। तब धीरे धीरे बड़ी नजाकत के साथ में वे तमाम दुष्टात्मा ग्रसित लोग रोल करते, घुटने के बल सांप की तरह चलते चलते स्टेज के पास में आ जाते और हम उनका इंतजार करते कि सारे दुष्टात्मा ग्रसित लोग आ जाएं, और जो लोग नहीं आते थे लोग उनकी टांग पैर पकड़ करके सामने ला लिया करते थे। आपको जानकारी मिले, जब वे सब एक साथ आ जाया करते थे तब हम छुटकारे की प्रार्थना किया करते, उनसे कहते, इन द नेम ऑफ जीसस अंधकार की शक्तियां भागो, और वे जैसे तूफान में पेड़ कट के गिर जाता है, 10, 20, 30, 40, 50 न जाने कितने एक साथ जमीन पर गिर जाया करते थे, और कुछ ढीठ आत्माएं होती थी जिन्हें हम नीचे जाकर के हाथ रख करके उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करते, और कुछ लोग चंगे हो जाते, फिर भी कुछ ढीठ आत्माएं रहा करती थी। इस प्रकार से 1989 के दौरान परमेश्वर ने लाखों लोगों को सुसमाचार सुनाने और चमत्कार के द्वारा यीशु जीवित है बोल करके और प्रमाणित करने का अनुग्रह दिया। उस समय हम बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं किया करते थे, सब लोगों को बोलते अपनी अपनी बीमारी वाली जगह में हाथ रखो, और एक हाथ ऊपर उठा के हम बोलेंगे यीशु मसीह की, और आप बोलना जय। बस इसके बाद में सब बीमारियां, जैसे ही हम कहते थे बोलो यीशु प्रभु की, तो सब लोग कहते थे जय, और जैसे वे जय पुकारते तो कोई कहता है मैं देख सकता हूँ, कोई कहता है मैं चल सकता हूँ, कोई कहता है मेरा पेट का गोला गोल हो गया। हजारों की संख्या में गवाही, अभी किसी की गवाही लेने का वक्त नहीं होता था, सैकड़ों की सैकड़ों लोग अपनी जगह में हाथ हिला के कहते थे जैसे हम आए थे अब वैसे नहीं है। इस प्रकार से परमेश्वर पिता ने एपोस्टोलिक एवेंजेलिस्टिक एनॉइंटिंग के तहत बालाघाट में 89 के दौरान एक ऐसी आंधी लेकर के आई जिसके कारण से पूरे जिले के घर घर में यीशु मसीह का नाम फैल गया और लोगों ने सुना कि प्रभु इतने महान है। आपको ज्ञात होवे, सरकारी दबाव आया, CID, LIB इंक्वायरीज, विधानसभा ऑब्जेक्शंस हुए, दिल्ली में हमारे विरुद्ध में कई ऑब्जेक्शंस रेज हुए, कलेक्टर्स एंड SPs और तमाम अथॉरिटीज हमारे विरुद्ध में काम करती रही। परमेश्वर का जलजला देखा गया, जो जो अधिकारी हमें तकलीफ दिए वे भारी मुसीबत में पड़ गए, जिसकी ओर यहोवा है उसका दुश्मन कौन हो सकता है। बहुत बारीकी से नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं। एट लास्ट हमने निश्चय किया हम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि सरकार ने हमको बालाघाट से कहीं दूसरे शहर में जो करीबन 200 किलोमीटर दूर है हमारा स्थानांतरण कर दिया। हम बड़ी वेदना और पीड़ा में जाकर जंगलों में प्रार्थना करने लगे तो एक ओर हमें नौकरी दिखाई देती है और दूसरी ओर वो अपार भीड़ जिसकी जरूरत आज प्रभु को है, प्रभु की, जिन लोगों को की जिनको जरूरत है प्रभु की। एट लास्ट हमने निश्चय किया कि हम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देंगे। आपको मालूम हो गए फरवरी 2 तारीख को हमने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूर्णकालीन सेविकाई में लग पड़े, और 12 साल की ग्रेजुएटी एंड प्रोविडेंट फंड से प्रभु ने हमको जो कुछ भी दिया था वह सब कुछ हमने प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। अपने उस समय हमारे
दो बेटों का जन्म हो चुका था और उस समय ना हमने अपनी पत्नी के लिए एक रुमाल खरीदी और ना ही अपने बच्चों के लिए। आपको जानकारी मिले हमारे छोटे बेटे के लिए शायद खाने के लिए सेरेलेक्स नहीं था। हमने सरकारी बंगला छोड़ा। किसी विश्वासी ने हमको अपने घर के बाजू में गाय बांधने के कमरे में अपना सामान रख करके वहाँ पलंग लगा के सोने की हमें अनुमति दी। और सन 90 के दशक में हमने गाय के कमरे में रहकर के पूर्णकालीन सेविकाई का काम शुरू किया। दो बच्चे हैं और गाय का कमरा है, उसमें दरवाजा नहीं हुआ करता था। हम खाना बना के रखते थे, खड्डे का दरवाजा था। कुत्ता मुंह मार करके दरवाजे को तोड़ के अंदर आता और खाना खा के चले जाता। जब हम मीटिंग से आके देखते तो गंजी धुली पड़ी हुई है। ऐसे समय में प्रभु ने हमें सिखाया पूर्णकालीन सेविकाई का तथ्य सत्य क्या होता है। आपको जानकारी मिले ऐसा करके हमने उन गांवों में जहां हमारे क्रूसब सुआ करते थे वहां व्यक्तिगत जाकर के होम सेल्स या प्रार्थना समूह बनाने का अभियान हमने शुरू किया। 91 में मार्च के महीने में पहली कलीसिया का निर्माण बालाघाट में हुआ, जिसमें 35 लोगों ने बपतिस्मा लिया। ये पहला दौर था और उसके बाद में जो क्रम चला लगातार जारी रहा। सन 91 में जब हम अकेले अकेले गांव-गांव जाकर के हाउस चर्च या प्रेयर सेल या प्रेयर मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए गए तो हमने कहा हमारे साथ काम करने वालों को तैयार करना चाहिए, बोल करके हमने पहला पावर मिनिस्ट्री के नाम से एक 15 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया। 91 में पहले पावर मिनिस्ट्री में 35 लोगों का हमने प्रशिक्षण दिया। ग्रेजुएटी के पैसे से हमने कुछ जमीन खरीदी और एक छोटा सा हॉल बनाया 40x35x20 का, और वहाँ फ्लोर नहीं हुआ करती थी और ज़मीन गीली रहा करती थी। प्लास्टिक बिछा करके उसमें शतरंजी डाल करके लोग उसी में सोया करते थे और वहीं हम क्लास चलाया करते थे। वहाँ से हमारी पहली पावर मिनिस्ट्री शुरू हुई। पावर मिनिस्ट्री के आखिरी में जब हम एनॉइंटिंग प्रेयर किया करते थे, इतना भयानक अभिषेक कि लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाते थे, जमीन पर गिर जाते थे। उन्हें कई बहुत देरों तक, कई मिनटों तक बेहोशी की हालात में वे पड़े रहते थे, इस तरीके का अभिषेक। और वहां से जाने के बाद उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणी चंगाई दुष्टात्माओं के निकालने का कार्यक्रम शुरू हो जाता था। इस प्रकार से ये 35 लोग पहली पावर मिनिस्ट्री में तैयार किए गए। यह पहले 2-3 साल में हम साल में एक ही बार किया करते थे, परंतु सन 95 के बाद में हमने 2 बार स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री जनवरी और सितंबर माह को हमने चुना कि 15-15 दिनों की यह पावर मिनिस्ट्री का हम उसको अरेंज करें। ऐसा करके बड़ी भारी मात्रा में लोग आने लगे क्योंकि भारी रिजल्ट दिखाई देते थे। हमारे पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, ना तो टॉयलेट्स थे ना ही ऐसा कुछ था, परंतु एक ही हॉल में सब कुछ। हम भी वहां रहा करते थे छोटे से बाजू वाले कमरे में, और कलीसिया को हम पावर मिनिस्ट्री, जो पावर मिनिस्ट्री में तैयार किए गए उन लोगों को हमने गांव-गांव भेजना शुरू किया, और वे गांव-गांव में अपनी ही कम्युनिटी में अपने ही समाज में जाकर के अपने ही लोगों के अपने जीवन के परिवर्तन और चंगाई की सेविकाई और सुसमाचार की सेविकाई में वे निरंतर आगे बढ़ते रहे। परिणाम स्वरूप 2090 तक, लगभग 2000 के दौरान तक हमने 75 पास्टर्स एवेंजेलिस्ट लोगों को मिशनरी बना करके पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ शिक्षा दे करके ऑर्डिनेशन दे करके उन्हें भेजा कि वे अलग अलग जगहें। पहले 3 साल में हाउस चर्च लीडर, अगले 5 साल में एवेंजेलिस्ट और 7 साल के बाद उन्हें पास्टर्स ऑर्डिनेशन देने की प्रक्रिया हमने ईश्वरीय प्रकाशन से शुरू की। और इस तरीके से लगभग 74 पास्टर्स एवेंजेलिस्ट एंड हाउस चर्च लीडर 2000 तक भेजे गए, और करीबन 8000 हाउस चर्च ग्रह कलीसियाओं का निर्माण हुआ सन 2000 के दौरान।
उसके बाद में पावर मिनिस्ट्री में और दूसरी दूसरी संस्थाओं के लोग आते रहे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के युवा युवती पास्टर्स इस स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री में आते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने अपनी जगहों में जाकर सामर्थ्य सेवा का काम करते रहे। इसके पश्चात अब तक 2019 तक हमने 49 पावर मिनिस्ट्री के सेशंस तैयार कर चुके, जिसमें 5,000 से कहीं ज्यादा है लोगों को ट्रेंड करके सामर्थी सेवा, क्योंकि हमारे स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री का जो स्लोगन था, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर, परमेश्वर ने सामर्थ को प्रमाणित किया और इस तरीके से लोग कहीं ना कहीं सामर्थी सेवक अपनी अपनी कलीसिया और ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारे साथ थे वे जीवन ज्योति आश्रम सोसाइटी के अंतर्गत की जाने वाली सेविकाई, क्योंकि 91 में हमने जीवन ज्योति यूथ फेलोशिप को जीवन ज्योति आश्रम सोसाइटी के नाम से रजिस्टर भी कर लिया था और अब जीवन ज्योति चर्च के नाम से कलीसियाओं का निर्माण शुरू हो गया, जो पहले तो बालाघाट जिले में था, फिर कुछ महाराष्ट्र में चला गया और फिर कुछ छत्तीसगढ़ में। इस तरीके से इन 3 जिलों के अंदर में प्रारंभ में कलीसिया रोपण का काम शुरू हो गया। यह क्रम चलता ही चला गया। इस बीच में कई उतार चढ़ाव आए, हर महीने कहीं LIB इंक्वायरीज है, हर महीने कहीं प्रतिरोध है, कहीं जुलूस निकाले जा रहे हैं, कहीं पेपर में दूषित सुसमाचार सुनाया जा रहा है। इतनी आंधियां आई। यदि प्रभु हमारे साथ ना होता तो हमारा नाम और निशान मिट गया होता, परंतु परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि कई बार हम पीटे गए, मारे गए, लोगों ने रॉड से मारा, डंडों से मारा, पिटाई की। रीवा की मीटिंग्स में हमें लोहे की 1/4 रॉड से पीटा गया, डंडे से पीटे गए, हमारे लोगों को लात और जूतों से मारा गया, चर्च में आग लगा दिया गया, बालाघाट में, गंगानगर में चर्च में आग लगा दिया गया, हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स जल गए। इस प्रकार के कई उतार और चढ़ाव सन 2000 के बाद से आते रहे, परंतु लगातार परमेश्वर का काम बढ़ते चला गया, लोग जुड़ते चले गए। अब तक लगभग 15,000 से कहीं आज अधिक लोग हैं, जो 37 समुदाय में से आते हैं, वे प्रभु के विश्वासी समूह के सदस्य बन गए और विश्वव्यापी कलीसिया के अंग बन करके कहीं ना कहीं कुछ तो हमारे साथ हैं, कुछ अलग संस्थाओं में अपनी सेविकाई देते रहे। ऐसा करके बड़ा आंदोलन इस जीवन ज्योति मिनिस्ट्रीज या जीवन ज्योति आश्रम सोसाइटीज के द्वारा संचालित कलीसिया के द्वारा निर्धारित किया गया। इसके बाद एक बड़ी तीव्र इच्छा हमें बाइबल स्कूल खोलने की थी, परंतु हमने सुना था कि बाइबल स्कूल को चलाने के लिए प्रॉपर बिल्डिंगें होनी चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, ट्रेंड पास्टर जो थियोलॉजियन टीचर्स होने चाहिए, उनका पगार होना चाहिए। और हमारे सामने एक बड़ी समस्या थी कि इतनी ढेर सारी सुविधाएं हम कैसे जुटाएं, क्योंकि अब तक हम स्वदेशी और स्वतंत्र सेवक थे। इन सारे समयों में किसी भी संस्था ने 10 रुपए भी हमें किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं दी, और जो लैंड हमारा जीवन ज्योति आश्रम सोसाइटी का है वो भी हमारे ग्रेजुएटी के पैसे से खरीदा गया, जो अभी स्थित है। ऐसे समय में हमारे पीछे कोई नहीं था, सब कुछ ऑटोमेटिक और सिस्टमेटिक चल रहा है। परमेश्वर के एक दास हमें उपवास की प्रार्थना के समय 2015 में उन्होंने यह प्रेरणा दे गए, पादरी साहब दर्शन के लिए आवश्यकता की नहीं, दर्शन की जरूरत होती है, तब आपके पास जो भी सुविधा है उसमें तुम बाइबल स्कूल शुरू कर दो। तब हमने तुरंत नोटिसेस भेजे
और 23 लोग सबसे पहले बार 2015 में हमारे बाइबल स्कूल में आए। उनकी निर्धारित फीस के द्वारा ही हम उनके लिए भोजन बंदोबस्त करते और हमारी जो टीम थी वो वॉलंटियरली उनको वचन सिखाने का काम करती और हमने 6 महीने का एक कोर्स शुरू किया, डिप्लोमा कोर्स। इस बाइबल स्कूल में थियोलॉजिकल सब्जेक्ट्स नहीं थे, वरन हमारी जिंदगी का अब तक के पड़ाव में जो अनुभवशील शिक्षा थी हम उसी को फोकस करते थे। और हमारे स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री के बीच में और इस बाइबल स्कूल के अंदर जो प्रॉस्पेक्टर्स रहा है, साल्वेशन 3 प्रकार का, आत्मा, प्राण, शरीर, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के नव वरदान, आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, व्यक्तिगत वॉरफेयर, फैमिली वॉरफेयर, नेशन वाइड वॉरफेयर, प्लम लाइन टीचिंग्स, मतलब बाइबिल के आधार पर जिंदगी का चलाया जाना। बाइबिल सुनने और सुनाने का व्यापार नहीं है, वरन व्यवहारिक रूप में लाने की एक गाइडलाइन है। इस तरीके से फिर हमने 5 प्रकार की सेविकाई शुरू की कि एक एवेंजेलिस्ट क्या होता है, एक पास्टर क्या होता है, टीचर क्या होता है, एक प्रॉफिट क्या होता है, अपोस्टल क्या होता है, क्योंकि इन समय में प्रभु हमें अपोस्टोलिक समझ में काम ले आ रहे थे। इसलिए 5 प्रकार के वरदानों की पहल अपनी सेविकाई में देखकर हमें बेहतर आइडिया था कि अपोस्टोलिक अम्ब्रेला के अंतर्गत एक प्रॉफिट, एक एवेंजेलिस्ट, एक पास्टर और एक टीचर किस प्रकार की सेविकाई कर सकता है और उसका अभिषेक क्या होता है। भारी मात्रा में भारत के 16 से 18 प्रांतों से अलग अलग प्रशिक्षणार्थी हमारे पावर मिनिस्ट्री में आने लगे और इसके साथ बाइबल स्कूल में भी करीबन 7 प्रांतों से प्रशिक्षणार्थी आए। और पहले 2 वर्षों में तो हमने 6 महीने का बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, परंतु उसके बाद में हमने इसे 7 महीने में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरे साल में हमारी संख्या कम रही, 11 प्रशिक्षणार्थी थे जो हमारे बाइबल स्कूल में थे, परंतु तीसरे साल में करीबन 27 लोग आ गए, फिर उसके बाद में 34 लोग और पांचवा बैच हमने 2019 में समाप्त किया। और इस पांचवे बैच में 46 स्टूडेंट्स थे, 46 लोग थे और इन 46 लोगों के लिए इतनी बेहतर सुविधा हमारे पास नहीं थी। 40-40, 20-20, 25-25 लोग एक ही कमरे में डॉर्मेट्री सिस्टम में, भाई लोग अलग और बहन लोग अलग रहा करते थे। हमारे पास मात्र 2 डॉर्मेट्रीज थी जिसमें 30-32 जवान एक साथ कुछ जमीन में कुछ पलंग में सोया करते थे और बहनों के लिए एक दूसरी डॉर्मेट्री थी जिसमें बस 20-25-30 बेटियां एक साथ रहा करती थी। इस तरीके से हमने 45 लोगों को 2019 में ट्रेंड करके उनको डिप्लोमा दे करके अपने घर भेज दिया। इस तरीके से जब ये लोग गए तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स इनके द्वारा दिखाई देने लगे, क्योंकि ये व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करके गए। ये केवल सुनने और सुनाने वाले नहीं थे वरन अपने जीवन में इसको काम में लाने वाले शिक्षक प्रशिक्षणार्थी थे। उनकी जिंदगी यहाँ बदली, कर्स ब्रेकिंग हुआ, पूर्वजों से आने वाले श्रापों से लोगों को यहाँ आजादी मिली। हमारा सबसे पहले वीक का जो विषय होता है कर्स ब्रेकिंग, श्राप से आजादी, क्योंकि सब अन्य जाति से आए हुए लोग कहीं ना कहीं गिराए हुए स्वर्गदूतों की आराधना करके जनरेशन टू जनरेशन से आने वाले श्राप की अधीनता में रहे हैं। ऐसे समय में उनके लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए श्राप से आजादी का विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा। और उसके बाद जब वह स्वतंत्र हो जाते, अपने मामा पापा से माफी मांगते हैं, देन फिर उसके बाद में वो बड़ी कुशाग्रता से वचन सीखते, हर प्रकार की शिक्षाएं हम उन्हें देते। शिक्षा के अंतिम अंतिम पड़ाव में हम उन्हें गाँव में ले जाते और हम चुपचाप खड़े रहते और कहते चलिए बीमारों के लिए प्रार्थना करो, दुष्ट आत्माओं के लिए निकालो और जो दुष्ट आत्मा नहीं निकालेगा उसको 1 महीना की ट्रेनिंग और लेना पड़ेगा जब तक कि वो दुष्ट आत्मा ना निकाल ले।
ऐसे करके बड़ी सख्त कमांडो ट्रेनिंग देने के बाद हम 7 महीने की इस ट्रेनिंग के द्वारा भारी योद्धाओं को तैयार करके उनकी अपनी अपनी कलीसियाओं में भेजने के अभियान में जुड़े रहे। अब 2020 आ गया है और जो महामारी का प्रकोप हमारे देश में आया उसके परिणाम स्वरूप जुलाई से जो हमारा बाइबल स्कूल शुरू होना चाहिए था हमें सरकारी अनुमति नहीं होने के कारण हम इस साल 2020 में अपना बाइबल स्कूल शुरू नहीं कर पाए। परंतु जब हमने एक इनविटेशन भेजा कि हम इस साल सरकार की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं, आप एडवांस में फॉर्म भर करके दे दीजिएगा, तो ऐसे समय में हमारे पास लगभग लगभग 70 प्रशिक्षणार्थियों से ज्यादा लोगों के एप्लीकेशंस आज तक हमारे पास आ चुके हैं और हर एक दिन के बाद लोग हमें फोन करके पूछ रहे हैं कि ये कब शुरू होगा। परंतु अभी तक भारत की सिचुएशन इतनी आसान नहीं जिसके कारण से हम इस विपरीत परिस्थितियों में इस बड़ी भीड़ को बुला सके। अब हमारे पास में एक सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर अब हम डॉर्मेट्री सिस्टम में सबको जमीन पर नहीं रख सकते। ऐसे समय में हमने बीते लॉकडाउन के पहले प्रभु ने जो कुछ भी हमको धन संपत्ति दी थी उससे हमने कुछ अलग 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 कमरे बनाने का अभियान शुरू किया और ये सब कुछ विश्वास की सेवा के अंतर्गत हुआ, क्योंकि क्रूसेड मिनिस्ट्री के द्वारा जो कुछ भी लोग हमको भेंट दिया करते थे उससे हम लोग इसी आश्रम में पावर मिनिस्ट्री के लिए और बाइबल स्कूल के लिए कंस्ट्रक्शन कर दिया करते थे। तो एक बड़ा कंस्ट्रक्शन हमने खड़ा किया जिसमें कम से कम 8 से 10 रूम हैं, जिसमें 4-4 लोगों को भी रखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम प्रावधान भी अपना सकते हैं। इससे पहले कि हम अगला बाइबल स्कूल शुरू करें, इस बाइबल स्कूल के लिए अब डॉर्मेट्री सिस्टम में 50 लोगों को रखना हमारे लिए कानूनन गैर कानूनी। ऐसे समय में अभी हमारे पास में एक सबसे बड़ा आंदोलन ये है कि जो खड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन है जिसमें हमने दीवारें खड़ा करके और उसकी छत ढाल दी है परंतु अंदर प्लास्टर और उसकी खिड़कियां वगैरह बनाए बिना हम उनमें प्रशिक्षणार्थियों को नहीं रख सकते। तो आज हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है। जब लॉकडाउन में आर्थिक परिस्थितियों से होकर के जनवरी महीने से हमारे सारे कुर्सेट्स बंद पड़े हुए हैं, तो ऐसे समय में इस अधूरे निर्माणाधीन बाइबल स्कूल के कमरों को पूर्ण करना हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बना है। अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही भारत की स्थितियों में दबाव कम होता है सोशल डिस्टेंसिंग का को मद्देनजर रखते हुए यदि सरकार हमें अनुमति देती है कि हम अपना अगला बाइबल स्कूल शुरू करें तो हम उनकी परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। परंतु उनके आने से पहले हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है बाइबल स्कूल के रूम के लिए जो अधूरा खड़ा पड़ा है, जिसमें एक लंबा रूम हमने बना रखा है जिसमें पास नहीं बरन दूर दूर बिठाल कर एटलीस्ट हम 50 लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं और 50 लोगों के ठहरने का बंदोबस्त कर सकते हैं। जो केवल स्ट्रक्चर है परंतु उसकी जो सुविधाएं हैं, फ्लोरिंग है और प्लास्टर है, खिड़की है, पंखे हैं, ये अधूरा काम हमारे सामने बकाया पड़ा हुआ है और हम परमेश्वर की ओर निहार रहे हैं कि परमेश्वर हमें शक्ति दे कि अगले बाइबल स्कूल यदि हो सकता है अक्टूबर अगस्त के बाद में यदि सिचुएशन सामान्य हो जाती है तो अगस्त सितंबर तक हम स्कूल पावर मिनिस्ट्री के टाइम पर अपना बाइबल स्कूल शुरू करें। ऐसी कुछ योजनाएं हमारे मन में आ रही हैं परंतु हमारे हाथ आसमान की ओर उठे हुए हैं। बहुत से लोग भारत से इस लॉकडाउन में हमारे यूट्यूब्स के द्वारा जो आशीष उन्होंने पाई है उन आशीषों के द्वारा सैकड़ों लोगों का एक टेलीफोन हमारे पास में आया, मोबाइल के द्वारा उन्होंने बातचीत की कि हम आपकी सेविकाई में किस तरीके से खड़े हो सकते हैं।
अभी तक हमने अपने YouTube में ना तो हमने कभी किसी से ये आग्रह किया है, और इन 40 सालों की सेवकाई में ना तो हमने किसी संस्था के सामने हाथ फैलाया है और ना ही किसी संस्था के साथ अफिलिएट हुए हैं, और ना ही किसी संस्था ने अब तक के पड़ाव में हमें 10 रुपए भी देने का कोई वायदा किया है। यह सब कुछ आज भी हम 45 पास्टर्स एंड एवेंजलिस्ट लोगों की आर्थिक मदद करते रहे हैं, जो कम से कम 17 प्रांतों में प्रभु की सेवकाई करते रहे। मेजर सिटीज में चले जाएं तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, नागपुर, भोपाल, इंदौर, ऐसे बड़े बड़े शहरों में झुग्गियों और झोपड़ियों में कलीसिया रोपण का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और नेपाल में कुछ काम अभी हमारा शुरू हुआ है। इस तरीके से भारी मात्रा में उत्तर भारत के अधिकांश, गुजरात अधिकांश प्रांतों में कलीसिया रोपण का इस सेवकाई के द्वारा आंदोलन चला हुआ है। परंतु इन समस्त सेवकों को या तो अपनी कलीसिया से आर्थिक संपत्ति उघानी पड़ती है, या कुछ थोड़ी सी मदद जो हमें क्रूसेड्स के द्वारा मिल जाती है उसके द्वारा हम इनकी आर्थिक मदद करते हैं, और दूसरी ओर से जगह जगह गांव में हमें जमीन खरीदने और वहां चर्च बनाने का भी आंदोलन हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बना पड़ा हुआ। कई जगहों में, लगभग 10 से 12 जगहों में हमने चर्च के लिए जमीन का भी बंदोबस्त किया है, 4-5 चर्च निर्माणाधीन हैं, और इस तरीके से प्रभु अपनी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते चला जा रहा है। हमें कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। परंतु इस लॉकडाउन के समय में जब लोगों ने हमारे यूट्यूब मिनिस्ट्री, आमोस सिंह मिनिस्ट्री यूट्यूब के रास्ते 20 देश के लोगों ने आशीष प्राप्त, और संपूर्ण भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएई और न जाने कितने देशों से हमें बार बार हिंदी भाषी लोगों से फ़ोन आते रहे हैं, आपकी यूट्यूब्स के द्वारा परमेश्वर हमें भारी मात्रा में आशीष दे रहे हैं। हम आपके लिए कुछ भेंट भेजना चाहते हैं, हम क्या करें? परंतु आज तक हमने किसी को किसी प्रकार की भेंट भेजने की अनुमति नहीं दी। परंतु बहुत दबाव मिलने के बाद अब हमारे सामने ऐसा मन प्रभु दे रहे हैं कि हम अपनी सेवकाई के दर्शन को आप लोगों के साथ बांटें। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो अगले 2-3 महीने में हमें बाइबल स्कूल के अंदर उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर उन्हें ठहरने का बंदोबस्त करना है, और एक बड़े हॉल में जिसमें हम लोग उन्हें बेहतर रीति से बाइबल की शिक्षा दे सकें जो सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर हो, कुछ जो पेंडिंग काम बचे हुए हैं, दरवाज़ों के, खिड़की के, पंखों के, लाइट्स के, टाइल्स के और टेबल और कुर्सियों के, तो इसमें यदि प्रभु आप में से किसी को इस स्वतंत्र स्वदेशी सेवा के पीछे, मैं आपको एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुत से लोगों के अंदर एक बड़ी भ्रांति है कि जीवन ज्योति सेवकाई विदेशी संस्थाओं के आधार पर निर्धारित होकर के उनकी आर्थिक मदद के द्वारा शायद इतनी बड़ी सेवा चलाती होगी। परंतु मैं आपके सामने इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि सन 70, सन 80 और सन 90, इन तमाम दौरानों के वक्त जब जब हमारी सेविकाई को नया एपिसोड मिला, नई प्रमोशंस मिले, हमने कभी किसी संस्था की ओर निहार करके मनुष्यों पर देखने की आशा हिमाकत नहीं की। बीच में सिर्फ 1 साल किसी संस्था ने हमें मदद करने के लिए बात की, परंतु जो सैद्धांतिक मतभेद हुए, हमने उनके सारे सुविधाओं को त्यागते हुए अपने फिर से पैदल चलने वाले रास्ते पर आ खड़े हुए, और हम किसी व्यक्ति को अपने जीवन की साक्षी न देते हैं और न ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। आज तक आपने भी हजारों क्रूसेड्स आपने हमारे भारत देश में देखे होंगे, किसी क्रूसेड्स में हमने अपनी कोई डिमांड्स नहीं रखी। परंतु अब
मजबूरन लोगों के दबाव के आधार पर आपको अपनी आवश्यकता शेयर करना चाहिए बोल करके जब पवित्र आत्मा की प्रेरणा हमें मिली तब जाकर के अब हम इस पड़ाव पर खड़े हुए हैं कि आप में से जो लोग किसी भी रीति से बाइबल स्कूल के अधूरे कंस्ट्रक्शन में हैं, जिसमें पावर मिनिस्ट्री भी इस्तेमाल की जा सकती है, यदि इसके लिए यदि आप प्रार्थना में हमारा सहयोग दें तो हमारे परमेश्वर की ओर से आशीष के दरवाजे खुलने के चांसेस अधिक हैं। और दूसरे ओर से यदि आप में से कोई व्यक्ति है जो इस प्रोजेक्ट्स के पीछे खड़े होने में पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाता है तो हम अगले 2 महीनों में हम बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, जिससे कि हम स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री तो इस बार नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल ही हम चला पाएंगे बाइबल स्कूल। सो हम लगभग 50 लोगों के ठहरने का और 50 लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर एक बड़े हॉल को डेकोरेट कर करके वहाँ हम बेहतर टीचिंग दे करके उनको बेहतर योद्धा बना करके भेजें, इस कल्पना में हम आपके सामने अपना निवेदन रख सकते हैं। यदि आप में से किसी को ऐसा मन हो रहा है प्रार्थना के साथ साथ यदि आप आर्थिक रीति से हमारे पीछे खड़े रहना चाहते हैं तो हम अपना अकाउंट नंबर आपको नहीं देंगे, आपको अपने ही फोन से एक फोन पर फोन लगाना होगा, इस नंबर पर आप अपनी इच्छा जारी कर सकते हैं और वो यूट्यूब में डाला पड़ा है, उसका नंबर है 8120718888। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं इस नंबर पर आप हमारे जो सुपुत्र हैं उनके साथ में बातचीत कर सकते हैं, हमारी बिटिया रानी है उनसे आप बातचीत कर सकते हैं और अपना दिल बांट सकते हैं। ऐसे समय में हम अगले 2 महीने में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगली गवाही के पड़ाव पर अब हम चलते हैं। जीवन ज्योति कलीसिया के द्वारा संपूर्ण 15 प्रांतों में जो कलीसिया रोपण का काम चलते रहा, कुछ आभास हमें होते रहा है क्योंकि सोसाइटी एंड ट्रस्ट के अंतर्गत चलाई जाने वाली कलीसियाओं का भविष्य अच्छा नहीं है। इसीलिए बीते 5 सालों से प्रभु हमें एक प्रेरणा दे रहे थे कि हम एक ऐसे रजिस्ट्रेशन की खोज में लगे रहें जिसमें सरकार हमें कलीसिया रोपण की स्वतंत्रता सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देती है। कई साल तक परिश्रम के बाद हमें यह रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, परंतु बीते 2 साल पहले प्रभु के महान अनुग्रह से हमें एक और रजिस्ट्रेशन करने का अनुग्रह दिया गया जिसका नाम है एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल। यह वह डायोसिस है जिसमें केंद्रीय सरकार के द्वारा कलीसिया रोपण और हाथ रखने, चंगाई करने और बपतिस्मा देने की अनुमति केंद्रीय सरकार के द्वारा मिली है। ये डायोसिस सिस्टम से हमने अपनी सेविकाई को शुरू किया जो 2016 से एपिस्कोपल चर्च को हमने रजिस्टर कर दिया है और हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं अब वो जीवन ज्योति के नाम के साथ साथ एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के अम्ब्रेला में चली गई हैं, जिसमें अलग अलग प्रांतों के 4 बिशप्स हैं और एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के तहत प्रतिवर्ष हम ऐसे लोग जो स्वतंत्र सेवक हैं जिनके पास में कोई कलीसियाई रजिस्ट्रेशन नहीं है और जिनके पास कोई संस्थाई अम्ब्रेला नहीं है, ऐसे अनाथ सेवकों को हम एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के द्वारा ऑर्डिनेशन देकर के उन्हें छतरी भी देते हैं। उसमें भी कई विभाग हैं, एक व्यक्तिगत अम्ब्रेला है जिसमें हम पास्टर्स ऑर्डिनेशन देते हैं और दूसरा संस्थाई अम्ब्रेला है जिसमें उनकी संस्था हमारी एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के रजिस्ट्रेशन को लेकर के पूर्णतः मसीही संस्थान के रूप में सरकार के सामने पारदर्शी हो सकती हैं और जिसके भी इंडिपेंडेंट चर्चेज हैं और जो उन्होंने छोटी छोटी सोसाइटीज इन ट्रस्ट भी बना रखा है और यदि वे अपने अकाउंट
उस सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने पारदर्शिता के साथ में मेंटेन कर रहे हैं, तो हम उनकी संस्था को भी अम्ब्रेला के रूप में एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल का अम्ब्रेला देते हैं, जिससे कि वे कहीं आने वाली विपत्ति से बचने के लिए रोकथाम का कारण बन सके। अब तक हमने 200 पास्टर्स लोगों को जो गुजरात, महाराष्ट्र, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, दिल्ली, ऐसे करीबन 16 से 17 प्रांतों से आने वाले इंडिपेंडेंट चर्चेस को हमने अम्ब्रेला दे रखा है। और यदि आप में से कोई स्वतंत्र सेवक है और यदि आपको हमारी सेवा से आशीष मिलती है तो हम आपको वेलकम करते हैं। आत्मिक रीति से हम आपके साथ खड़े रहेंगे और प्रशासनिक रीति से जो भी एपिस्कोपल चर्च के द्वारा जो अनुमति मिली है उस शेल्टर हम दे सकेंगे। पर एक बात हमें याद रखना चाहिए, हम किसी भी व्यक्ति की कोई आर्थिक मदद नहीं करते हैं, क्योंकि हम खुद ही स्वतंत्र सेवक हैं और स्वदेशी सेवक हैं और ना ही हम किसी संस्था से किसी प्रकार की कोई भी आर्थिक मदद की उम्मीद करते हैं। परंतु जो प्रभु प्रेमी लोग हैं, जिन्होंने हमारी सेवा को देखा जाना है, वे ही लोग हैं जो हमें आर्थिक रूप में अब तक उठाते रहे हैं और हमारा कारवा अब तक विश्वासी जगत की सेविकाई के द्वारा चलते रहा है। अभी यूट्यूब्स के द्वारा भारी मात्रा में विश्व के लोग आशीषित हो रहे हैं। हमारे यूट्यूब्स में आप चलते रहिएगा और हमें प्रार्थना में उठाए रखें। एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के बारे में आपने जो सुना है उसको अपने इष्ट मित्रों को बताएं और आप में से कोई इस सेवकाई के पीछे प्रार्थना में खड़े होना चाहते हैं तो आपकी प्रार्थना वैल्यूएबल है। और यदि कोई आर्थिक रूप में इसको उठाना चाहता है, स्पेशली इस समय इन दो महीनों में बाइबल स्कूल के प्रारंभ होने से पहले अधूरे काम को पूरा करने के लिए, तो आप हमारे 8120711888 नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पिता परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारी गवाही में तो और भी बहुत कुछ है जिसको एलेबरेट नहीं किया जा सकता है। जेल में 3 बार जाना पड़ा, लोहे की रॉड से मार खाना पड़ा और धक्का दे के बाहर निकाला जाना पड़ा। क्या कुछ हुआ है देखिए, जिस पड़ाव पर आज हम पड़े हैं ना, वह इतनी आसानी से नहीं। हमारी पीठ पर 1.5 इंची रॉड से, जैसे यीशु की पीठ पर कोड़े पड़े थे, ऐसी धारियां, हफ्तों तक खून पसीजते रहा पीठ से। पत्नी के गले पर चाकू डाल दिया गया और आज भी उनके गले पर एक चाकू का निशान है छोटा सा। ऐसी परिस्थितियों में भी प्रभु हमारे साथ बने रहे, लंबी गवाही है। वक्त कभी मिला तो जरूर 2-4 होते रहेंगे। पिता परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारी एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के इस अभियान को प्रार्थना में याद करें, जिसका पुराना नाम जीवन ज्योति मिनिस्ट्रीज है। इसे आप उठा सकते हैं, हमारे यूट्यूब्स का फ़ायदा उठाएं, हमारे परिवार को, हमारे साथ में सहयोगियों को जो हमारे जीवन ज्योति अभियान में जुड़े हुए हैं, उनको प्रार्थना में लगातार याद करते रहें। हमने कमेंट बॉक्स को बंद किया हुआ है, जिससे कि हम किसी प्रकार की अच्छी और बुरी बात सुन करके अपने मन को आनंदित और दुखी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए यदि आप में से किसी को कोई गवाही देना है तो YouTube में डाले दोनों नंबरों पर आप बातचीत कर सकते हैं। 8120711444 ये दूसरा भी नंबर है जिसमें आप अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। पिता आपको आशीष दे। हमारी सेविकाई आपके लिए और भारत के लिए और धीरे धीरे अब विश्वव्यापी रूप में आशीष देने के लिए हाथ बढ़ा रही है। दुआ मांगे। सनातन परमेश्वर, जिन लोगों ने आपका, आपके दास और इस प्रेरिताई आंदोलन की गवाही सुनी है, जिसमें अंत के दिनों में कैसे योद्धाओं को तैयार किया जाए और वे कलीसिया को कैसे अंत के दिनों में यीशु के आगमन में उठाए जाने के लिए तैयार कर सकते हैं, आए पिता परमेश्वर ऐसे योद्धाओं को तैयार करने की जो जलजलाहट आपने हमें दी है, उसमें बहुत से लोगों को खड़े रहने का अनुग्रह दीजिएगा। हम आपको धन्यवाद और महिमा और आदर देते हैं। इस प्रार्थना को नजराना यीशु के नाम में मांग लेते हैं। आमीन।